सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में पीआर रैंक और सीएस रैंक का एक मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरह के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको सीएस रैंक और बीआर रैंक में आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है और कैसे आप अपनी गेम प्ले को बेहतर बना सकते हैं। देखो गाइस, इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि जो लोग रैंडमली बंदे के साथ खेलते हैं या तो सोलो में रैंक पुश करते हैं, वो लोग कैसे अपने रैंक को ऊपर ले जा सकते हैं और अपना जो गेम प्ले है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में ना आप लोग इन चीजों को सीखोगे, किस तरह का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको सीएस और बीआर में बेटर परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा और कैसे टीमवर्क के थ्रू आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। गाइस हम इस वीडियो में सबसे पॉपुलर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे जो आमतौर पर ग्रैंड मास्टर के बंदे यूज करते हैं। गाइस इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप अपने गेम प्ले को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बीआर में सोलो रैंक पुश करके दो मैच खेलेंगे दो मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ। तो पहला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस हुकोंग कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को अभी के टाइम ज्यादातर ग्रैंड मास्टर के बंदे यूज करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्लॉट में आप लोगों को लेना है हुकोंग कैरेक्टर, उसके बाद गाइस लेना है उल्फ्रे कैरेक्टर, देन आप लोगों को लेना है लूना कैरेक्टर और गाइस लास्ट में लेना है डीवी कैरेक्टर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते हैं मैच के अंदर इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो अभी स्टार्ट हुआ है गेम और हमारा गोल है टॉप 10 तक पहुंचना और इस मैच में गाइस हम लोग फोकस करेंगे पोजीशन और स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों को एक बेस्ट लैंडिंग करना है, इसलिए गाइस आप लोग देख सकते हो मैं एकदम साइड में उतर चुका हूँ और मेरे साथ ना एक बंदा भी उतर चुका है। इसलिए मैंने इधर लैंडिंग करने के बाद देखा बंदा ऑलरेडी उतर चुका है, तो मैं फटाक से ना इधर हुकोंग का एबिलिटी यूज करके ओपी तरीके से घर के अंदर चला गया, क्योंकि इधर एक नहीं गाइस दो दो बंदे उतरे थे तो उन दोनों के बीच फाइट हो रहा था। तो इसलिए मैं इधर से एकदम हुकोंग का एबिलिटी यूज करके घर के अंदर आ चुका था और घर के अंदर आके जल्दी से जल्दी घर के ऊपर उठ के कोई भी एक गन ढूंढ रहा था और इधर ही जाके मेरे को मिल गया शॉर्ट रेंज का एक गन और इसको लेके मैं डायरेक्टली चला गया उन बंदे के सामने, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में मेरे को एक दो किल निकाल लेना, इधर मेरे को थर्ड पार्टी करने का मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली चला गया और जाने के बाद देखा एक बंदे को मार देता है, जिसका फायदा उठा के मैं और एक बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ, इधर से जाके और एक डैमेज देता हूँ और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद हुकोंग का एबिलिटी यूज करके बुस बन के मैं बंदे को लूटता रहता हूँ और उसी टाइम गाइस एक बंदा इधर लैंडिंग करता है और उसके बाद शॉर्ट रेंज का गन रहता है, लेकिन गाइस मेरा जो शॉर्ट रेंज का गन है ना उसका गोली खत्म हो जाता है, इसलिए मैं लॉन्ग रेंज से उससे फाइट करता हूँ। मेरा हेल्थ भी बहुत कम हो जाता है जिसके कारण बंदा मेरे को इजिली मार देता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा एक किल हो चुका है, मैं ऑटो रिपेयर फिर से हो जाता हूँ। उसके बाद फिर से लैंडिंग करता हूँ और लैंडिंग करके मैं उतरता हूँ हैंगर पर और हैंगर पर उतर के मैं इधर से थोड़ा बहुत गन ले लेता हूँ, नीचे उतर के अच्छे से एकदम इधर उधर लूटता रहता हूँ और उसके बाद मेरे को लॉन्ग रेंज का गन मिल जाता है और गाइस साइलेंसर वाइलेंसर मिल जाता है, शॉर्ट रेंज का गन भी मिल जाता है और उसी टाइम सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ, वो बंदा भी मेरे को खतरनाक डैमेज देता है लेकिन मैं उस बंदे को इजिली मार देता, ऐसे करके गाइस मैं दो किल कर लेता हूँ। उसके बाद उस बंदे के सामने चला जाता हूँ और जाके उस बंदे का लूट बॉक्स अच्छे से लूटता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे को और भी थोड़ा बहुत लूट चाहिए, तो इसलिए मैं लॉन्च पैड पकड़ के इधर से ऑब्जर्वेटरी चला जाता हूँ और ऑब्जर्वेटरी जाके जोन के बाहर मैं बहुत टाइम तक लूट करता रहता हूँ। देखो गाइस इस कॉम्बिनेशन के साथ ना आप लोगों को लूट में लेना है लॉन्ग रेंज में कोई भी हाई डैमेज वाला गन और शॉर्ट रेंज में गन आप लोगों को हमेशा एसएमजी गन ही लेना है, क्योंकि गाइस जब भी आप लोग हुकोंग बन के किसी बंदे को मारोगे तो उस टाइम आप लोगों के पास अगर शॉटगन होगा तो पास जाना होगा, लेकिन हुकोंग बन के आप लोग दूर से भी MP40 से मार सकते हो या तो UMP गन से भी मार सकते हो या तो MP5 से भी मार सकते हो। तो इसलिए हमेशा आप लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करना SMG गन शॉर्ट रेंज में लेने। उसके बाद गाइस इधर अच्छे से लूट वूट करने के बाद मैं सोचा कि मैं जोन के अंदर जाता हूँ क्योंकि बंदे भी कम हो रहे थे, तो मैं इधर से लॉन्च पैड पकड़ के एकदम जोन के अंदर चला गया एंड जोन के अंदर जाने के बाद मेरे को मिल गया एक गाड़ी जिसको लेके मैं एकदम जोन के किनारे किनारे से जोन रोटेशन करके अंदर जा रहा था और उसी टाइम देखा मेरे पास तो सिर्फ लेवल 1 का वेस्ट था, तो मेरे को लेवल 4 का वेस्ट चाहिए था और उसी टाइम मैंने देखा इधर आर्सेनल भी है जो कि एकदम जोन के साइड में था और इधर मेरे को लेवल 4 का वेस्ट भी मिल रहा था। तो इसलिए मैं इधर थोड़ा सा रुक गया गाड़ी पर बैठ के एकदम किनारे पर, आप लोग देख सकते हो इधर बैठ के मैं इसको चार्ज करने लगा। तो बहुत सारा टाइम इधर गाड़ी में बैठ के इसको चार्ज करके इसको ओपन किया और उसी टाइम जोन भी आ रहा था, जोन भी कट रहा था, तो मैं जल्दी से जल्दी जाके लेवल 4 का वेस्ट उठा के और थोड़ा बहुत इधर से सुपर मेडिकेट लेके जल्दी से जल्दी इधर से चला गया और जाके गाड़ी लिया और गाड़ी लेके सीधा चला गया जोन के अंदर। लेकिन जोन के अंदर जाने के टाइम मैंने पीछे स्कैनर पे देखा एक बंदा जोन के बाहर से आ रहा है जिसको मैंने ओपी तरीके से स्पॉट किया उतर के गाड़ी से, थोड़ा सा डैमेज देके ही बंदे को इजीली मार। उसके बाद गाड़ी लेके मैं सीधा चला गया जोन के अंदर। उसके बाद जोन के अंदर जाने के बाद मैंने देखा बंदे बचे हैं गाइस 7 और मेरा किल हो चुका है 3। तो अभी मेरे को क्या करना है, कुछ भी करके टॉप 2 में जाना है क्योंकि मैं टॉप 10 में आ चुका हूं, अभी कुछ भी करके मेरे को बुया लेना है। तो ये सोच के गाड़ी लेके मैं इधर से उधर घूमता रहा एंड उसी टाइम गाइस सामने मेरे को
कोई एयरड्रॉप दिखा जिसके पास मैं चला गया गाड़ी लेके और जाके मेरे को मिल गया ड्रैगन वाई। और मेरे पास था साइलेंसर तो मैंने ड्रैगन वाई उठा लिया। अभी हुकोंग का एबिलिटी यूज करके बूस्ट बनूंगा और दूर से बंदे को डैमेज दूंगा। बंदे के ऊपर खतरनाक डैमेज लगेगा लेकिन बंदे को पता नहीं चलेगा मैं कहां से मारूं। तो यही स्ट्रेटजी यूज करने के लिए मैंने ड्रैगन वाई उठा लिया और उसके बाद इधर ही साइड में बैठ के ना दूर से बंदे को स्पॉट करने लगा। और दो बंदे के बीच जब फाइट स्टार्ट हुआ मैंने इधर से खतरनाक डैमेज देना स्टार्ट कर दिया ड्रैगन वाई से। आप लोग देख सकते हो बहुत ही खतरनाक डैमेज लग रहा था 80 का 70 का। उसके बाद थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद एक बंदे को मार देता है उधर। तो अभी बस एक ही बंदा बचा रहता है जिसको मैं एकदम खतरनाक तरीके से डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ और बंदे को 80-70 का डैमेज देता रहता हूँ। बंदा ग्लोअल के बाहर जाता है लेकिन मैं ग्लोअल तोड़ के भी उसको डैमेज देता हूँ। और लास्ट में बंदा इधर से ग्लोअल मारते मारते आता रहता है, मैं उसको डैमेज देता रहता हूँ एंड जोन का भी डैमेज बंदे के ऊपर लगता रहता है। और लास्ट में बंदा कंफ्यूज होकर इधर से आता है और मैं उसको खतरनाक डैमेज देता हूँ और भाई साहब इजिली मार देता हूँ। ऐसे करके गाइस मैं इस मैच को इजिली बुया ले लेता हूँ और इस मैच में मेरे को मिलता है 41 का प्लस, आप लोग देख सकते हो। तो इस मैच को खत्म करने के बाद बारी आता है हमारे सेकंड पॉपुलर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की और ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करेंगे के कैरेक्टर को। सोलो रैंक पुश के लिए गाइस के कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है तो इसलिए इस पॉपुलर कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्लॉट में हम लोग लेंगे के कैरेक्टर को। उसके बाद जो पैसिव स्लॉट है ना उसमें सेम रखेंगे उल्फ्रा लूना और डीवी कैरेक्टर, ठीक है। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन के साथ अभी मैं गेम प्ले करूंगा। आप लोगों को डिसाइड करना है कि हुकोंग और के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, लेकिन उससे पहले आप लोग इस गेम प्ले को अच्छे से देखो उसके बाद डिसाइड करना। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर। तो अभी इस मैच का मेरा गोल है कुछ भी करके मेरे को ज्यादा से ज्यादा किल करना है और गाइस ओपी तरीके से सर्वाइव करके टॉप 2 में जाना है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करना है वो आप लोग इस मैच में अच्छे से सीख पाओगे। तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं लैंडिंग कर चुका हूँ क्लॉक टावर पर और इधर मेरे को स्टार्टिंग पर एक दो किल निकाल लेना है क्योंकि गाइस मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्लस लेना है। तो मेरे साथ भी एक बंदा इधर लैंडिंग कर चुका है। मैं लैंडिंग करके शॉर्ट रेंज का एक गन लेके डायरेक्टली ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर जाके बंदे को स्पॉट करता रहता हूँ। बंदा मेरे नीचे था मतलब घर के नीचे, तो मैं इधर थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो बहुत टाइम तक वेट करने के बाद बंदा ऊपर नहीं आ रहा था तो मैं नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद बंदे को स्पॉट करके खतरनाक डैमेज दिया, हेडशॉट कनेक्ट करके इजीली बंदे को मार दिया। और उसी टाइम देखता हूँ गाइस एक बंदा ऊपर से लैंडिंग करता है एकदम खुले में जिसका फायदा उठा के बंदे को स्पॉट करता हूँ और इजीली बीएसएस से मार देता हूँ। तो इसको मारने के बाद मेरा हो जाता है 2 किल कंप्लीट। उसके बाद मैं देखता हूँ सामने के जो घर है ना जो मिडिल पर है उसमें बाई फाइट हो रहा है। तो थर्ड पार्टी करने के लिए मैं डायरेक्टली उधर चला जाता हूँ और जाने के बाद देखता हूँ कि सामने ना बंदे लोग के बीच फाइट हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली घर के अंदर घुस जाता हूँ और घुर की और उसी टाइम देखता हूँ एक बंदा इधर से भाग रहा है जिसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ और वो बंदा ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने के बाद दूसरा बंदा उसको इजिली मार देता है जिसका फायदा उठा के मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, जाके खतरनाक तरीके से एक बंदे को MP5 का डैमेज देता हूँ और बंदे को इजिली फिनिश कर देता हूँ। तो ऐसे करके गाइस इधर मैं 3 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में 3 किल कंप्लीट करने के बाद मैं इस बंदे को हल्का सा लूट लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि और एक बंदा है जो कि दूर से मेरे को साइलेंटली मार रहा है जो कि मेरे को डैमेज दे रहा है, तो मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ। उसको भी मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ लेकिन बंदा कवर में रहता है इसलिए मैं पूरा नहीं मार पाता। तो मैं नीचे उतर जाता हूँ, उतर के एकदम साइड साइड से उस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ एंड उसके सामने जाके उसको खतरनाक स्प्रे करता हूँ। बंदा भाग के एकदम कवर में चला जाता है, जाके चारों तरफ ग्लूअल का पैक लगा लेता है। तो मैं उसके ऊपर ग्लूमिन मारता हूँ और इधर से जाके उसको मारने लगता हूँ लेकिन बंदा नीचे से उतर के एकदम सीधा भागने लगता है। तो मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ और उसको स्पॉट कर लेता हूँ एंड जब भी बंदा दूर में खुले में भाग के जा रहा होता है तो मैं उसको खतरनाक डैमेज देता हूँ और बंदा फिर से ग्लूअल मारता है। उसके बाद मेडिकेट मारता रहता है और मैं ड्रैकी पैड की मदद से उसको स्पॉट कर लेता हूँ और खतरनाक तरीके से उसके सामने जाता हूँ और जाके एक स्प्रे करता हूँ, बंदा फिनिश। तो ऐसे करके मैं इस बंदे को भी इजिली मार देता हूँ। इस तरह क्लॉक टावर पे लैंडिंग करने के बाद मैं 4 किल कंप्लीट कर लेता हूँ और उसी टाइम मेरे सामने एक सुपर एयरड्रॉप गिरता है जिसके सामने मैं चला जाता हूँ और जाके ओपी तरीके से सुपर एयरड्रॉप को लूटता रहता हूँ और एकदम अच्छे से सुपर एयरड्रॉप को लूटता हूँ। इधर से मेरे को लेवल 4 का बेस्ट मिल जाता है। उसी टाइम गाइस एक बंदा मेरे को दूर से डैमेज देना स्टार्ट कर देता है तो मैं डायरेक्टली जाके कवर ले लेता हूँ और बंदे को बहुत कोशिश करता हूँ स्पॉट करने के लिए लेकिन बंदे को स्पॉट नहीं कर पाता हूँ मैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जाके एकदम कवर ले लूँ परमानेंट क्योंकि गाइस अभी बंदे बचे हैं 17 और मेरा हो गया 4 किल कंप्लीट। तो मेरे को कुछ भी करके टॉप 10 में पहले आना है, उसके बाद टॉप 2 में जाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस घर के अंदर आके कवर लेके सर्वाइव करने लगता हूँ क्योंकि गाइस इस मैच में मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था मेरा गोल है ज्यादा से ज्यादा किल करना और गाइस सर्वाइव करना। तो इसलिए मैं इधर बैठ के आराम से सर्वाइव करने लगता हूँ। और सोलो रैंक पुश में गाइस आप लोगों को 2 सिचुएशन में सबसे ज्यादा सर्वाइव करना है। एक तो है हार्ड जब लॉबी आता है, जब गेम में हार्ड हार्ड बंदे आते हैं तब, और दूसरा है गाइस जब भी आप लोग स्टार्टिंग में ज्यादा किल कर लेते हो जैसे कि मैंने 4 किल कर लिया उस टाइम आप लोगों को सर्वाइव करते रहना है एकदम लास्ट टॉप 2 तक, ठीक है। तो उस टाइम अगर आप लोग सर्वाइव करोगे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लस भी मिलेगा और उसके साथ साथ आप लोगों का बुया 100% हो जाएगा। तो ये 2 सिचुएशन में आप लोगों को हमेशा सर्वाइव करके खेलना है। इसलिए गाइस आप लोग देख सकते हो मैं अभी सर्वाइव कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने 4 किल ऑलरेडी कर चुका हूँ। और मैं सर्वाइव कहाँ पर कर रहा हूँ आप लोग देख सकते
सकते हो एकदम मिडल पर परमानेंट कवर पर। उसके बाद बहुत सारे टाइम इधर सर्वाइव करने के बाद जब मैंने देखा मैं टॉप 7 में आ चुका हूँ तो मैं घर से निकला और निकल के ना एकदम एयर ड्रॉप के सामने गया क्योंकि इधर लॉन्चर था, तो मैंने सोचा लॉन्चर लूंगा। लेकिन उसी टाइम देखा एक बंदा मेरे सामने से जा रहा है, तो मैं उसको खतरनाक डैमेज देता हूँ। बंदा सामने जाके ग्लोअल मार देता है, मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, बंदा भी मेरे ऊपर रश कर देता है। लेकिन के कैरेक्टर की मदद से और मेरे जो पैसिव कैरेक्टर है लूना और डीबी उसके मदद से मैं इजीली उस बंदे को मार देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद मैं इस बंदे को हल्का सा लूटता हूँ और उसी टाइम देखता हूँ दो बंदे के बीच फाइट हो रहा है क्लॉक टावर। मैं घर के ऊपर उठ जाता हूँ, उठ के उस बंदे को स्पॉट करता हूँ और खतरनाक डैमेज देकर उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। उसके बाद उस बंदे को पूरा फिनिश करके 6 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद इस घर के अंदर चुपचाप बैठा रहता हूँ और गाइस बंदे लोगों को स्पॉट करने लगता हूँ क्योंकि 4 बंदे अलाइव होते हैं मेरे को लेके। तो मेरे को अभी हर एक बंदे का पोजीशन जानना है क्योंकि लाल जोन में ना हर एक बंदा यही करता है जो लोग ग्रैंड मास्टर में जाते हैं, बंदे लोगों का जो पोजीशन है ना उनको पता होता है। तो इसलिए गाइस मैं भी इस घर में बैठ के हर एक बंदे का पोजीशन जानने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत वेट करने के बाद एक बंदा लॉन्च पर पकड़ के मेरे सामने आ जाता है और मैं ना उसको मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन बंदा नीचे चला जाता है। तो मैं इधर थोड़ा सा वेट करता हूँ और नीचे मेरा लैंडमाइन ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसलिए मैं इधर थोड़ा सा वेट करता हूँ और उसी टाइम बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है और लैंडमाइन का खतरनाक डैमेज खाता है, जिसका फायदा होता है कि नीचे जाके बंदे को नॉक कर देता और खतरनाक डैमेज देकर पूरा फिनिश करके इजिली मार देता। तो इसको मारने के बाद बस एक बंदा बचा रहता है जिसको मारने से मेरा बुआ हो जाएगा। और गाइस इस बंदे के साथ फाइट करने में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया क्योंकि ये जो बंदा था ना ये भी ग्रैंड मास्टर का बंदा था, इसको मारने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगा। तो गाइस सबसे पहले बंदा मेरे को देख लेता है और मैं इधर से जाके बंदे को एक डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और डैमेज दे भी देता हूँ, लेकिन बंदा ग्लोअल मार के कवर में बैठ जाता हूँ। मैं ग्लोअल मार के उसके सामने चला जाता हूँ और फिर से और एक ग्लोअल मार के उसके सामने चला जाता हूँ, लेकिन बंदा पूरा ग्लोअल का पैक लगा लेता है। तो मैं इधर से लैंडमाइन लगा के इधर से जाके बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, उसका ग्लोअल तोड़ता हूँ और बंदे के पास M10 था 3 लेवल का, जिसके कारण मैं दूर दूर जाके उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बंदा ग्लोअल से निकल के मेरे को डैमेज देके इधर चला जाता है और मैं इधर कवर में आ जाता हूँ। और गाइस आप लोग देख सकते हो इस कॉम्बिनेशन की मदद से मेरा HP कैसे फुल हो रहा है। तो मैं इधर कवर में रहता हूँ, उसके सामने नहीं जाता। तो इधर से थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं देखता हूँ बंदा एकदम कवर में चला जाता है परमानेंट। तो मैं इधर से जाके उसके ऊपर एक ग्रेनेड मारता हूँ और उसी टाइम बंदा इधर से निकल के फिर से कवर में चला जाता है। तो मैं उसके ऊपर रश करने जाता हूँ लेकिन बंदा निकल के मेरे को क्या एक खतरनाक M10 का डैमेज देता है, लेकिन मैं फिर से ग्लोअल का पूरा पैक लगा लेता हूँ। लेकिन गाइस बंदा मेरा ग्लोअल तोड़ के मेरे को मारने आता है, फिर से मैं ग्लोअल मारता हूँ, उसके बाद एक इनहेलर मार के इधर आ जाता हूँ और उसके बाद जो करेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है ना उसके मदद से उस बंदे को खतरनाक स्प्रे करता हूँ और बंदा इधर से जाके और एक स्प्रे करता हूँ, बंदा फिनिश। तो ऐसे करके मैंने इस खतरनाक बंदे को मार के इस मैच को इजिली बुआ ले लेता हूँ। इस मैच में गाइस मेरे को मिलता है 47 का प्लस। आप लोग अभी बताओ कि दोनों करेक्टर कॉम्बिनेशन में कौन सा करेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है गाइस प्लीज यार लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।